नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। कहते हैं आप सभी लोग, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों ने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं किए हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। सभी कैटेगरी की मैं बात करूंगा, जनरल के लिए बात करूंगा, ओबीसी के लिए बात करूंगा, एससी के लिए बात करूंगा, एसटी के लिए बात करूंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन दी है मेरे लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ ज्यादा कैटेगराइजेशन बना के रखे हुए हैं कि अगर हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो क्या सोचकर करते हैं। बात करते हैं बिलासपुर की, बात करते हैं। अगर आप बिलासपुर की तरफ देखोगे तो बिलासपुर में आपकी 1100 प्लस वैकेंसी निकल कर आ रही है। मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पर मिल रही है हमको? बिलासपुर में मिल रही है। और अगर हम दूसरा देखें तो सिकंदराबाद में भी हमको सबसे ज्यादा वैकेंसी मिल रही है, 758 के आसपास वैकेंसी मिल रही है। अब यहां पर दो चीजें आप देख सकते हैं। कई बच्चे ये सोचकर फॉर्म फिलअप करेंगे कि अगर हम बिलासपुर में जाते हैं तो बिलासपुर से हम फॉर्म भर देंगे, यहां पर वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ कम जाने की संभावना है। लेकिन आप यहां पर एक चीज सोचिए कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो कि उस कैटेगरी की वैकेंसी अवेलेबल है कि नहीं। अगर मान लो तुम इस लोकेशन पर जाते हो और एसटी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करते हो, मात्र 13 वैकेंसी है, क्या कर लोगे तुम यार, क्या कर लोगे बताओ। लेकिन एक चीज और आपको यहां पर सोचनी है, भले ही यहां पर एससी की 13 वैकेंसी है लेकिन एससी वालों के लिए यह फायदा हो जाता है, यहां पर अगर उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं तो वो जनरल की सीट में भी फाइट कर जाते हैं। मतलब उनकी जनरल की सीट उनकी उनको मिल जाती है, ये तो आपको पता ही होगा ना। अगर उनके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो उनको कौन सी सीट मिल जाएगी? जनरल की सीट मिल जाएगी। तो एससी या एसटी कैटेगरी वाला जो भी अभ्यर्थी है, देखिए दो जगह है, बिलासपुर में देखेंगे तो ये वाली लोकेशन पर देखिए कितनी वैकेंसी है आपकी, 179 वैकेंसी है बिलासपुर। तो जो एसटी कैटेगरी का है वो यहां पे फॉर्म फिलअप कर सकता है और साथ ही आपको जनरल की वैकेंसी भी मिल रही है। और अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो डेफिनेटली आपको जनरल की सीट भी मिल सकती है, अगर आप अपनी सीट को फाइट ना कर पाए तो। ठीक है, तो यहां पर एससी एसटी वालों के लिए बहुत फायदा है। ओके, और जो बिलासपुर से बिलोंग करता है वो डेफिनेटली बिलासपुर से ही भर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें और सेफ जोन की बात करें तो जैसे कि अब मैं लेकर चलता हूं आपको बेंगलुरु। बेंगलुरु में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जनरल की जो सीट है वो कितनी है, 186 सीट है। ठीक है, तो यहां पर जनरल वाला फॉर्म भरेगा तो उसके चांसेस है कि यहां की कट ऑफ कम रहे। क्यों? क्योंकि मोर देन अभ्यर्थी इस जोन में जाने की कोशिश करेंगे, यहां पर वैकेंसी, पोस्ट ऑफ वैकेंसी यहां पर ज्यादा है। और यहां पर एससी की बात करें तो एससी के लिए 72 के वैकेंसी है और एसटी की बात करें तो 35 है। और इस जून से फॉर्म फिलअप करने में आपको फायदा ये मिलेगा, अगर आप अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं ये वाली कैटेगरी के तो वो जनरल की सीट में भी काम कर सकते हैं, वहां पर भी उनको सीट मिल सकती है। ठीक है ना। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो देखो, बेंगलुरु से जनरल वालों को और ओबीसी वालों को फॉर्म भर देना चाहिए क्योंकि यहां पर बहुत अच्छी खासी पोस्ट ऑफ वैकेंसी है। लेकिन बात वही है, वैकेंसी कम आई है, लाखों में फॉर्म भरे जाएंगे लेकिन अपन तो इस वैकेंसी के हिसाब से अंदाजा लगा पाएंगे कि भैया कहां पर ज्यादा सीट है तो वहां पर हमको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। अगर आप टोटल को देख के चलोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, आपको अपनी सीट को देखकर चलना है कि जनरल के अवेलेबल है कि नहीं। आपने टोटल देख लिया, फॉर्म भर दिया, पता चले कि बाबा 0 वैकेंसी है आपकी सीट की, आपकी कैटेगरी की, तो दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से मैं एक और जोन आपको बताता हूं, एक तो आपको बता दिया बेंगलुरु, दूसरा मैंने आपको बताया ये वाला एससी एसटी वालों के लिए, मैंने क्या बताया बिलासपुर। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कोलकाता की, बात करते हैं तो कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे और साउदर्न ईस्टर्न रेलवे की अगर बात करें तो देखिए यहां पर जनरल कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं, 185, जहां से भी अच्छा खासा स्कोप है वैकेंसीज का। ठीक है, और अगर हम ओबीसी की बात करें, अगर टोटल की बात करें तो यहां 345 वैकेंसी है और ओबीसी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओबीसी की काफी कम है, करीब करीब 43 वैकेंसी है मात्र। तो ओबीसी वालों को तो यहां पर कदम नहीं रखना चाहिए जहां तक मैं समझता हूं। ठीक है, हाँ, और अगर एससी एसटी वाला है तो वो यहां पर कदम रख सकता है क्योंकि अगर उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं तो वो जनरल की सीट को खींच सकता है। ठीक है, तो यहां पर एससी एसटी वालों को फायदा मिल सकता है, जनरल को फायदा मिल सकता है लेकिन ओबीसी को कोई फायदा यहां पर नहीं मिलेगा। इसी तरह से मुंबई की तरफ चलती है तो मुंबई में जनरल वालों की सीट है कुल मिला के, सभी रेलवे को मिला के 213 और ओबीसी वालों की अगर हम बात करें तो यहां से 132। तो यहां पर ओबीसी वालों और जनरल वालों के लिए तो चांदी है यहां से फॉर्म फिलअप करने में। ठीक है, और साथ ही अगर हम बात करें एससी एसटी वाला भी यहां से फॉर्म फिलअप कर सकता है क्योंकि वो अगर ज्यादा मार्क्स लाएगा इनसे तो इनकी सीट उनको मिल जाएगी, ये भी उनके लिए फायदा है। और यहां से 547 वैकेंसी है। तो ये मुंबई, कोलकाता,
और आपको बताया मैंने बेंगलुरु, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट जोन है। यहां पर बहुत कम बच्चा जो होगा बिना सीट देखे, कई बच्चे फॉर्म तो भर रहे होंगे लेकिन वो बिना अपनी सीट को देखे ही फॉर्म भर दिए होंगे, तो उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब आप समझ लीजिए कि अगर आप कैटेगरी के अनुसार चलेंगे तो आपके लिए वो जोन बहुत खास रहेगा। और फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपने जोन से लड़ना चाहते हैं, तो फिर वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। और कई ऐसा कि अगर बात करें चेन्नई में अगर जनरल की देखी जाए तो केवल 57 वैकेंसीज है, और एससी की देखी जाए तो 33 है, और ओबीसी की केवल कितनी है 29 है, एसटी की बात करें तो 15 है। अब यहां से तो भैया तुम बहुत अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो निकल जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसी तरह से अगर मैं चलता हूँ प्रयागराज की तरफ चलता हूँ, तो प्रयागराज में आप देखेंगे नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे या नॉर्दर्न रेलवे की अगर हम बात करें तो यहां से जनरल वालों को काफी फायदा मिल सकता है, उनकी 184 वैकेंसी है, और ओबीसी वालों को कोई फायदा नहीं मिलेगा प्रयागराज से। तो जनरल वाला चाहे तो यहां से फॉर्म फिलअप कर सकता है, ये भी काफी अच्छा जोन है, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे कि सिकंदराबाद की बात करें तो सिकंदराबाद में तो सबसे ज्यादा वैकेंसी है और आपकी बिलासपुर में है, ठीक है। तो इसमें भी आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा, क्योंकि एससी एसटी वालों को यहां पर मिल जाएगा फायदा, क्योंकि यहां पर वैकेंसी ज्यादा है, अगर उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली वो जनरल की सीट का फायदा ले जाएंगे। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन मैंने आपको बताए, अगर आप इनको सिलेक्ट करते हो बाकी सबको स्किप कर देते हैं तो डेफिनेटली आपका चांस है। और कई जोन इसमें ऐसे ही मिलेंगे जहां पर जैसे मालदा हो गया, यहां पर कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। तो आप चाहो तो अगर आप अच्छी तैयारी कर सकते हो और मालदा से भरना चाहते हो तो यहां से भी आप भर सकते हो, लेकिन जो मुझे ठीक लग रहा है वो जोन के बारे में आपको बताया कैटेगरी वाइज कि इन जोन से अगर आप फॉर्म भरते हो अपनी कैटेगरी के अनुसार तो डेफिनेटली आपको आपका चांस है एग्जाम में फाइट करने का, कट ऑफ पार करने का, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाँ, लास्ट में आपको एक चीज बताने वाला था कि मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्लासेस भी लेके आने वाला हूँ बहुत ही शानदार पीडीएफ के साथ। अगर वो क्लासेस आपको चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ आपको चाहिए, पूरे नोट्स आपको चाहिए, बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देना है, बस इतना सा काम आपको करना है, सारी चीज़ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक बार आप क्लास देखना ना, फैन हो जाओ तो कह देना, आपको जो डर है ना साइंस से बिल्कुल खत्म कर दूंगा निचोड़ की तरह, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।